सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप HDFC बैंक का डेबिट कार्ड कैसे पे कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी और कई लोगों ने उसे डिसलाइक किया था क्योंकि मैंने उसमें डेबिट कार्ड अप्लाई करके नहीं दिखाया था, सिर्फ उसमें तरीका बताया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा जो अकाउंट था HDFC बैंक का वो मैंने ऑनलाइन ओपन किया था और उसकी फुल KYC नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन का माहौल चल रहा था, तो इसलिए मैंने उसमें KYC नहीं करा पाई थी। तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था डेबिट कार्ड को अप्लाई करने का, तो इसलिए मैंने उसमें सिर्फ तरीका बताया था। लेकिन मैंने जो तरीका बताया था दोस्तों उस वीडियो में वो एकदम जेन्युइन तरीका था। अगर आपका भी अकाउंट HDFC बैंक में है और आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत है तो आप उसी तरीके को फॉलो करके डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट SBI में है और आप उसका डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से। तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, जैसे मैंने HDFC का बैंक का बताया था। तो आप पूरा तरीका फॉलो करना, एक भी स्टेप मिस मत करना। सिर्फ 5 मिनट में आप अपने मोबाइल से ही डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से घर बैठे। तो दोस्तों एक भी स्टेप मिस मत करना और मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें भी आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास SBI के 2 कार्ड ऑलरेडी हैं दोस्तों, तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन जो तरीका बताऊंगा वो एकदम जेन्युइन तरीका होगा, आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो आप 7 दिन के अंदर अपने घर पर डेबिट कार्ड मंगा सकते हो अपने मोबाइल से घर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में YONO SBI एप्लीकेशन ओपन करनी है। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से आके डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। तो आपको इसे ओपन करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको इसमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे अपनी पिन डालनी है, जब आप लॉगिन करते समय बनाओगे तो आपको यहाँ पर अपनी पिन डालनी है। मैं अपनी पिन डालता हूँ। दोस्तों जब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है सर्विस रिक्वेस्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। प्रोफाइल का सबसे ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आके अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक कर सकते हो। सेटिंग में आके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ डेबिट कार्ड की, तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। प्रोफाइल पासवर्ड दोस्तों क्या होता है, जब आप इंटरनेट बैंकिंग ओपन करते हो तो उस टाइम पे हम प्रोफाइल पासवर्ड बनाते हैं इस एप्लीकेशन में। तो आपको यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक अलग पेज ओपन हो गया आएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे। ब्लॉक कार्ड, अगर आपको अपना कोई कार्ड ब्लॉक करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ब्लॉक कर सकते हो। आपको ब्रांच जाने की या किसी को कॉल करने की, सर्विस सेंटर में कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहां से अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हो, उसकी लिमिट वगैरह बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आपके पास कोई डेबिट कार्ड चल रहा है तो। और दोस्तों यहां पे आपका एक और ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट, तो आपको यहां पर रिक्वेस्ट न्यू और रिप्लेसमेंट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहां पे अलग पेज ओपन हो गया। आ गया सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको अपना अकाउंट डालना है। तो दोस्तों मेरे यहां पे एक ही अकाउंट है, अगर आपके SBI में कई और अकाउंट चल रहे होंगे तो वो भी यहाँ पर शो कर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है नाम का, कि आप अपने कार्ड पर क्या नाम रखना चाहते हो। तो दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है कि आपके अकाउंट जिस नाम से है आप उसी नाम से डेबिट कार्ड मंगाओगे, आप कुछ भी नाम रख सकते हो जो आप चाहते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम डाल देता हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी डाल के दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से आपको कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पूछ रहा है कि आपको किस टाइप का कार्ड चाहिए, क्योंकि SBI कई सारे कार्ड आते हैं तो सबकी अलग अलग रेट होती हैं दोस्तों, अलग अलग चार्ज होते हैं सबके। तो आपको जिस कार्ड को भी ज़रूरत हो आप वो मंगा सकते हो। मैं आपको बता दूँ कि रुपये कार्ड ये इसमें ऑप्शन आ रहा है, रुपये क्लासिक कार्ड का आ रहा है और ऊपर आ रहा है मास्टर कार्ड क्लासिक का। तो दोस्तों रुपए कार्ड जो होता है वो सिर्फ इंडिया के लिए अवेलेबल होता है, आप उससे सिर्फ इंडिया में शॉपिंग कर सकते हो। और जो वीज़ा क्लासिक और जो मास्टर कार्ड क्लासिक दोस्तों जो कार्ड होते हैं, वीज़ा ग्लोबल, मास्टर कार्ड ग्लोबल, इनसे आप ऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कहीं से भी पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि ये ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के लिए होते हैं। और जो रुपये कार्ड होता है दोस्तों ये सिर्फ इंडिया के लिए होता है। तो अगर आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप वीज़ा का ग्लोबल कार्ड या मास्टर कार्ड ग्लोबल कार्ड ये अप्लाई करें। तो दोस्तों मैं
सिर्फ आपको उधार दे रहा हूँ, तो मैं आपको रुपए पे ही क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों जब आप क्लिक करोगे किसी भी कार्ड पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक परमानेंट एड्रेस का, एक कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का। तो मैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे चेक कर देना है इस बॉक्स को और नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो एक ऑप्शन और आएगा इसके बाद। अब दोस्तों एक OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पर जो भी SBI में लिंक है, तो वो जैसे ही OTP इसमें डालूंगा और सबमिट पर क्लिक करूँगा तो मेरा डेबिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मुझे दोस्तों अप्लाई करना नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको तरीका बताना था जो कि मैंने आपको बता दिया। क्योंकि मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी 3 कार्ड हो जाएंगे, तो जो कि मेरा कोई काम का नहीं है। तो सिर्फ आपको दोस्तों सेम यही प्रोसेस अपनाना है। आप यहाँ पे OTP डाल के सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा पॉपअप बनकर कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह इस टाइप से, और आपका कार्ड 7 से 8 दिन में आपके घर पर आ जाएगा, जो कि उसी एड्रेस पर आएगा दोस्तों जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा परमानेंट एड्रेस। तो मैं करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छे समय में आ चुका होगा। आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।